फिर नीचे गिरा गिरा के मार रहे थे। गाड़ी दरवाजे में लगा, आगे लगा बोले मोबाइल, वही तो मारते मारते मोबाइल चल गया उसने। चाकू निकल सी, उन्होंने टारगेट पकड़ लिया उसका वाला डायरेक्ट। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा बाईपास पर कल दोपहर के समय एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट हुई और लूटपाट की घटना भी सामने आई है। इस दौरान काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और इस ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है और लूटपाट भी इसके साथ हुई है। आरोपी का नाम शहबाज इशहाक सैयद उर्फ रमू बताया जा रहा है, जो मुंब्रा के दादी कॉलोनी होनेस्टी कॉम्प्लेक्स का रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल ट्रक लेकर सचिन संजय शिंदे मुंब्रा बाईपास से जा रहे थे और तभी लाल किला ढाबे से थोड़ा सा आगे ही सचिन के ट्रक से एक दूसरे ट्रक को मामूली सा टक्कर लग गया और टक्कर लगने की वजह से दोनों ही ट्रक ड्राइवर वहां पर आपस में ही बहस करने लगे। तभी आरोपी शहबाज बुलेट से वहां पहुंचता है और उसके साथ में और भी दो से तीन चार लोग रहते हैं और बिना कुछ पूछताछ किए ट्रक ड्राइवर सचिन संजय शिंदे को मारना शुरू कर देते हैं। शोर सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और ट्रक ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट हुई। इसी बीच शहबाज ट्रक ड्राइवर सचिन संजय को आगे ट्रक लेकर चलने के लिए कहता है और आगे जाने के बाद फिर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल पैसा भी छीन लिया। मगर अच्छी बात ये रही कि उसी समय पर मुंब्रा बाईपास पर क्राइम ब्रांच यूनिट एक के सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश काकड़ अपनी पूरी टीम के साथ गश्त पर थे और इसी दौरान ट्रक ड्राइवर की आवाज़ सुनकर ये जब वहां पहुंचे तो शहबाज भागने की कोशिश करने लगा मगर इसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान इसके पास से चाकू और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। बहरहाल आरोपी शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी जो बुलेट थी वो भी जब्त कर लिया गया है। इस पर 395, 341, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुनिए ट्रक ड्राइवर सचिन ने क्या कुछ बताया है। कितने बजे हुआ था ये? एक बज कर 25 मिनट दोपहर में 1 बजे। अकेले था वो और थे उसके साथ दो चार बजे और उसके मारने के बाद में फिर बच्चे 20-25 जन हो गए वहाँ पे घर की भीड़ में ना 20-25 जन थे। तुमने पुलिस में बोली तो ऐसा मसला हुआ, मेरी गाड़ी जा रही थी इधर से और एक गाड़ी वाला पीछे से आया, मेरी गाड़ी को ठोक दिया उसने, ऐसा थोड़ा बम्पर अंदर चला गया, ये नीचे उतरा, वो उसको नीचे उतरा, गाड़ी के नीचे उतर गया उसकी और मेरी बात चल रही थी, बोला एक तो मेरे को पैसा दे दे, एक तो तू चल गैरेज में पैसा दे दे तू चला जा, गाड़ी वाले से मैं काम करवा लूँगा। ऐसा हमारा बातें करते करते उसकी और मेरी बहुत बहस मारे हो गए, वो बोले ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको बोला कि पोली चौकी में कर। क्या क्या छीना था तुमसे? क्या क्या छीना था तुमसे? नहीं वो ट्रक वाले, सुनो ना ट्रक वाले से बोला। हाँ ट्रक ट्रक वाले और मेरी बोला मेरे को मेरा गाड़ी का तुम्हें पीछे से धोखा है, मेरे को करवा के दे कि तू मेरे को पैसा दे दे उसका, मैं तो पुलिस थाना चल बोला वहाँ पे देख लेगी। मैं वो बोल रहा ये आ रहा वो आ रहा ऐसा बोल रहा था, बाहर का कंटेनर था कभी का ये आ रहा फिर वहाँ में हम उसकी बातें और ना गाड़ी का गाड़ी खाली करने का बोल देखो तो क्या बोला फिर ना और रहा वो भी गाड़ी देने लगे, ये भी गाड़ी लग गई, ये लगे पीछे से आया, पीछे से आया तो हमारे जैसे अपन खड़े ना वहाँ ब्रेक लगा दिया, इसको कुछ मालूम नहीं क्या हुआ है हमारा और ना मेरे को ना खाते से गाड़ी में पकड़ लिया कमरे में ऐसा वैसा खा रहे थे, बोले तो अमुक डमुक बोला उसको थाना रहता बोला मैं ऐसा वैसा बोले थाने में इसको पहचान तो गया मैं इधर का भाई है बोला फट्टे कैसे कर लेके दो चार जन वापस आ गए उसके पीछे लगे, उन्होंने भी चालू पड़ गए मेरे को, फिर 10 जन हो गए 8 जन हो गए, फिर मेरे को नीचे गिराया ऐसा, फिर नीचे गिरा गिरा के मार रहे थे, फिर वो चाकू को भी लिया था फिर सुनो ना
ट्रैफिक जाम होने लगी मुंबई में, ट्रैफिक जाम होती है। उसके बाद में वो गाड़ी में बैठा मेरे, बोले आगे चल, बोले तो गाड़ी में बैठा मेरे को, गाड़ी चालू करने का बोला और आगे गाड़ी लेके गई। और उधर वो बोल रहा ऐसा वैसा, वो ठाकुर जी की था ना उसी किसी में लगे, बोले गाड़ी इधर बाजू में लगा, आगे लगा, बोले चार जन आ गए थोड़ा आगे जाके आ। और लगे ये जो पुलिस आ रही थी ना, वो मैं रो रहा था डायरेक्ट ऐसा जोर जोर से, उन्होंने देखा ये लड़का क्यों रो रहा है, उन्होंने डायरेक्ट मेरे गाड़ी के सामने गाड़ी लगाई। वो सब के सब पुलिस वाले उतरे नीचे, वो यूनिट वन वाले उतरे तो लग गए, वो पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, मतलब साहेब माला मार ला असं तसं लगे, ड्राइवर कौन है, मतलब मी फिर लगे वो पीछे से जा रहा था, भक्त जा रहा था गाड़ी में। अच्छा उसी टाइम पे पुलिस आ गई। हाँ मेरे को बोला ना अभी आते, पैसा वैसा कुछ ही ना उसने सुना ना उधर, हाँ पाकिट भी थी मोबाइल, वही पे मारते मारते मोबाइल ले लिया उसने। हाँ फिर मारने में मेरा मोबाइल वो सब ले लिया वहाँ पे। फिर पुलिस आए ना, वो भग रहा था, वो लगे सब पुलिस वाले उधर से आए, भाई तू ड्राइवर है तो मतलब वो शायद ड्राइवर है, बोले ये तू कौन है ऐसा भाई साहब, नहीं साहब बोले इसको ना, बोले वो लड़के मार रहे थे सब बच्चे लोग मिलके, मैंने इसको छोड़ा था इधर लाया है, बोले क्या बात करता, बोले फिर मेरे को साहब ने पूछे तू काय काय गेलो, मतलब साहब माझा मोबाइल पैसे विशेष सब तो पकड़ के लाए। हाँ तो सुनो ना लगे, फिर उसकी झड़की लेने लग गए साहब लोग, उससे किसी में से चाकू निकला मोबाइल, फिर उसको चाकू निकल से उन्होंने टारगेट पकड़ लिया उसका वाला डायरेक्ट उसके जैसे चाकू निकला रहे निकला, सबसे पहले उसका हाथ पकड़ा, फिर अभी उसको बेटा है बोलेगा चाकू निकला, बोले हाँ तेरे पास में ऐसा कुछ मोबाइल वोबाइल रहता था कि भाई लड़के को मार रहे थे तूने उसका पैसा संभाल के दे रहा था भाई सब कुछ, तुम तेरे किसी ने चाकू निकला तो अभी भाई वैसा गाड़ी में डाले उसको, और मेरे को कि तेरे से 2 बजे से चौकी पर रात भी आते हैं, कंप्लेन हो गया है ना, सब हो गया उसका पाकिट में। अच्छा ये गाड़ी जो है उसी की है ना, उसी की गाड़ी है, बुलेट है ना, फिर उसकी गाड़ी आते करके ये जो लड़के थे ना दो आती गए, उन्होंने याद दिलाई।